आपको सीधा लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खम्मा गणेश सबने उदयपुर तो बहुत बार आया, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और बाद में भी, लेकिन जो उत्साह इस बार दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। मेरे साथ पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा लगाइए, ताकि पूरा हिंदुस्तान मेवाड़ का ये जोश देख सके। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मां भारती का वैभव बढ़ाने की जिम्मेदारी उन युवा साथियों पर भी है जो 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान कर रहे हैं, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ। बाकी लोग कोई 5 साल के लिए वोट देगा, कोई 10 साल के लिए वोट का कल्पना कर करके वोट डालने जाएगा, लेकिन जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है वो इस बार बटन को दबाएगा, तब उसके दिल दिमाग में 21वीं शताब्दी होगी, क्योंकि उसको जीना इसी शताब्दी में है। उसे अपने सपने संजोने हैं इसी शताब्दी में, उसे अपने सपने साकार करने हैं इसी शताब्दी में। उसके लिए जो कुछ भी है वह यह शताब्दी है, और यह शताब्दी का भाग्य इन 5 वर्षों में, क्योंकि इस शताब्दी का 1/4 हिस्सा इन 5 वर्षों में पूर्णता पर, इन 5 वर्षों में देश की जो मजबूत नींव बनेगी वो 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाली है। इसलिए 21वीं शताब्दी में पैदा हुए पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं ऐसे सभी बेटे बेटियों को मेवाड़ की इस धरती से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और भारत के भाग्य विधाता की प्रक्रिया में मतदाता के रूप में आपके प्रवेश को मैं देश के प्रधान सेवक के नाते आपका स्वागत करता हूं। 23 मई को, कल 23 अप्रैल है, 1 महीने के बाद 23 मई को, अब तक तो चुनाव के नतीजे आ गए होंगे, तेईस मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब हम सभी इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटने वाले हैं। साथियों,
आप सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये दिखा दिया है कि इस देश में एक ईमानदार सरकार चलाना भी संभव है। आपके सहयोग से पूरे देश में अब ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो रही है। अगर अब कोई धनवान बैंकों का पैसे वापस नहीं करता है तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब अगर कोई देश से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए भागना मुश्किल होगा। अब अगर कोई भागकर विदेश गया है तो उसको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर नामदारों के मिशेल मामा की तरह उसको उठाकर लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने बैंकों का करोड़ों अरबों हड़प जाने वालों को सजा दी है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है और ईमानदार करदाताओं को सम्मान दिया है। साथियों, पहले की सरकार अपने करीबियों को, अपने अरबपति दोस्तों को बैंकों पर दबाव डालकर फोन बैंकिंग की परंपरा से कर्ज दिलवाती थी। हम मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी गरीब से गरीब को, अपने आदिवासी भाइयों बहनों को बिना गारंटी आज हम कर्ज दे रहे हैं। 17 करोड़ ऐसा कर्ज देने की पहली बार शायद देश में हुआ होगा और उसमें 4.25 करोड़ पहली बार जिन्होंने बैंक से पैसा लिया, 4.25 करोड़ लोग इन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया है। इसी तरह जो पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटे हैं, असंगठित क्षेत्र के ऐसे 40 करोड़ से अधिक श्रमिक, उन साथियों को पहली बार पेंशन की सुविधा दी गई है। पीएम मोदी उदयपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर वो अर्जुन लाल मीणा, जो उदयपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के, अंदर बैरे का काम करने वाले लोग, रेकड़ी चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, कभी सोचा था कि 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिले, ऐसा सोचने वाली भी कोई सरकार आएगी? हमने ये योजना बना ली। इतना ही नहीं, छोटे दुकानदार उनके लिए भी पेंशन का प्रबंध, पहली बार किसानों के लिए पेंशन का प्रबंध, पहली बार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रबंध। साथियों, पिछली बार जब मैं उदयपुर आया था तो यहां बने
महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेनानायक बिलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। मेवाड़ के अंदर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार वो अपने इनडायरेक्टली विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से हमने इस पे काम किया है, लगातार अपनी जो उपलब्धियां हैं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए मोदी सही रास्ते पे हैं? दिशा सही है? इरादे सही हैं? कोशिश सही है? शरीर सही है? पूरा विश्वास है आपको? आतंकवाद पर मोदी प्रहार कर रहा है, ठीक है ना? खुश है ना आप लोग? घर में घुस के मारता है, देश की रक्षा कैसे होगी इस पर क्या इस चुनाव में और हर चुनाव में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये उदयपुर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है क्या? आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है और किस तरीके से आतंकियों को सबक सिखाता है, ये बात पीएम मोदी खुद बता रही हैं। साथ में जनता, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि वहां पर कितनी जनता पीएम मोदी को सुनने के लिए बैठी है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पीएम मोदी लोगों के चहेते बने हुए हैं।